गौतम पंखुड़ी और सैर सपाटा। मियां बीवी और ढेर सारी मौज मस्ती। भाई हाल ही में गौतम रोड़े और पंखुड़ी अवस्थी की शादी हुई और शादी के बाद ये दोनों मनाने आए हैं फैमिली हनीमून, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। और ये आए हैं गुजरात के मशहूर रिजॉर्ट वुड्स एट सासन पे, जहां पर ये दोनों कर रहे हैं डांस, हो रहे हैं रोमांटिक, खेल रहे हैं टेबल टेनिस, सुन रहे हैं गाने और साथ साथ अफ्रीकन डांस का मजा भी उठा रहे हैं। यानी नए साल के मौके पर गौतम और पंखुड़ी ने बनाया अपना फैमिली हनीमून इस खूबसूरत रिजॉर्ट में विद सास बहू और बेटियां। तो आज हम पूरा एक दिन गौतम और पंखुड़ी के साथ बिताएंगे, तो देखेंगे कि कैसे महानगरों के शोर शराबे से दूर प्रकृति की गोद में दोनों स्पेंड कर रहे हैं क्वालिटी टाइम। पंखुड़ी कर रही है पॉटरी तो गौतम बीवी को करा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन सब के साथ हो रहा है खाना पीना और ढेर सारी मौज मस्ती। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम ज्वाइन करते हैं गौतम और पंखुड़ी को वुड्स एट सासन में। वुड्स एट सासन गुजरात के सोमनाथ टेम्पल के बहुत करीब है और यहाँ पे गिर फॉरेस्ट भी बहुत नजदीक है। और सुबह उठते ही सबसे पहले गौतम और पंखुड़ी ने दिन की शुरुआत की इस टेबल टेनिस मैच के साथ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये लोग बहुत चीटिंग करते हैं, स्पेशली गौतम, ये लोग लोगों को वॉश आउट करते हैं गेम में, बट इस बार को कांटे की टक्कर मिली है, सो वी वेटिंग फॉर दिस। थैंक यू सास बहू और बेटियां। फिर दोनों तरह ताजा होकर निकल पड़े रिजॉर्ट घूमने। वैसे वुड्स एट सासन की हसीन वादियों और हरे भरे माहौल ने गौतम और पंखुड़ी को बना दिया रोमांटिक और दिन की शुरुआत हुई मियां बीवी के रोमांटिक डांस के साथ। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग दैट्स लाइक, मतलब जैसे पॉटरी, फार्मिंग, यहाँ पे यू नो आपका गेमिंग जोन है, देयर इज द स्पा, देयर इज एन ओपन लाइब्रेरी, एक ओपन लाइब्रेरी है यहाँ पे जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब यू नो इन अ पीसफुल काम वे यू विल हैव अ ग्रेट ट्रिप। यहाँ पे कुकिंग भी है, सिखाते हैं, बेकिंग भी सिखाते हैं, पॉटरी तो अभी हम कवर करेंगे ही यहाँ पे जब जाएंगे सेक्शन में। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, 280 मैंगो ट्रीज भी हैं। और यहाँ पे देखिए एक दो तीन कमाल की चीज़ें हैं कि इनसाइड तो देखिए, एक तो ये अंदर जंगल के है मगर फ़ायदा ये है कि इसके आसपास की एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे सोमनाथ टेम्पल 45 मिनट्स है, तो एक धाम ही है जो, चलिए चलते चलते बात करते हैं, तो सोमनाथ टेम्पल 45 मिनट्स की दूरी पे है। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे कितने टाइगर्स हैं भाई, नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, तो जहाँ पे आपको अलग अलग, लास्ट काउंटिंग हुई थी वहाँ पे 500 प्लस बोला गया था, लेकिन अभी जो जैसे बोल रहे हैं कि अभी 700 प्लस हो गए हैं यहाँ पे टाइगर्स, लायंस, लायंस, ओह वाओ। भाई पंखुड़ी को करनी है पॉटरी और गौतम ने उनका साथ दिया। Thank you.
फूड सेट सासन में होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो जरा देखें क्या खास है यहाँ पर। ये गौतम ने फिर से चीटिंग कर ली क्योंकि उन्होंने सुन लिया वहाँ पे कि उन्होंने मैंने खुद लगाया अपने हाथों से। बकवास खुद लगाया अपने हाथों से। ये किसका पेड़ है गौतम? कॉमन सेंस आम का, यहाँ पे 280 आम के पेड़ है। हर चीज सिखानी पड़ेगी। व्हाट इज नॉट कॉमन इज कॉमन सेंस। जी ये मिर्ची है। नहीं नहीं लॉकी लॉकी इट्स बॉटल गार्ड। व्हाट व्हाट डू यू कॉल दैट? बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड ओके। गौतम ने मिर्ची कहा है पूरी लाइन। ये दिख रहा है भाई बहुत। इस वाले से दिखा मुझे कि लॉकी जो दिखता। थैंक यू गौतम। ये देखो दिस इज द जायंट लॉकी। अरे बाप रे। ये वुडजट सासन का एडिबल गार्डन्स है जहाँ पे ये अपनी वेजिटेबल्स खुद ग्रो करते हैं, जैसे कि हमने देखा देयर वाज क्यूकम्बर, देयर वाज बॉटल गार्ड, देयर वाज रेडिश, एंड यहाँ पे कई सारी आयुर्वेदिक वो भी हैं जो आई थिंक वो लोग अपने स्पा में भी यूज करते होंगे। हमें मिल गए हैं टमाटर और एक बात हमें पता चली है यहाँ पे वो ये है कि ये लोग अपने किसी भी यू नो इसमें ग्रोथ के लिए पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स नहीं यूज करते हैं। सो दीज आर एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक एंड प्योर, सो दैट्स अ गुड थिंग। हाँ भाजी गौतम सो सिक यार गौतम। बट डेफिनेटली अगर मेरे घर में ऐसा यू नो एडिबल फार्म टाइप होता तो मैं आई वुड बी वेरी एक्साइटेड यू नो ऐसे प्लग करके अपने खाने में डालने के लिए। ये चेरी टोमेटोज आई थिंक गौतम विल लव इन हिज सैलड्स। तो मतलब बेसिकली हेल्दी है सब मामला, जब हेल्थ रिलेटेड होता है तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखा खीरा भी दिखा, लौकी भी दिखी, आम भी हैं, टमाटर भी हैं, तो आप ऐसा कुछ कोई वेजिटेबल नहीं है जो ये नहीं उगाते। और जैसे पंकुरी ने अभी कहा कि ये पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते, तो सब ऑर्गेनिक है और आयुर्वेदिक भी है यहाँ पे चीज़ें जो अपने स्पा में भी यूज़ करते हैं और वेजिटेबल्स में भी आती हैं वो चीज़ें। सो बहुत कम जगहें होती हैं जो ऐसा करते हैं। सो इट्स वन ऑफ द प्लेस। सो यस अब जरा जानते हैं वो वजह जिसकी वजह से गौतम और पंकड़ी यहाँ पर आते हैं। भाई यहाँ पर कुछ बच्चों को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है और देखिए बच्चों के साथ गौतम कैसे आंख मारे डांस कर रहे हैं। नया साल है, नए साल की शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए, हंसी खुशी से होनी चाहिए, मस्ती से होनी चाहिए। ये इतनी फ्री सोल्स हैं, इतने दिल से सब करते हैं, इतने दिल से प्यार देते हैं कि इनका जो प्यार है ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है और हम भी इनकी तरह बच्चे बन जाते हैं। सो यही एक मज़ा है, यही एक लाइफ है जो जितना थोड़ा सा भी हम कर सकें, खासकर अपने लोगों के लिए तो सब करते हैं, जिनको हम नहीं जानते उनके लिए भी थोड़ा सा भी कुछ कर सकें तो वी आर लकी इनफ। बहुत अच्छी जगह है, इट्स बिकम वन ऑफ माय फेवरेट हॉलीडे स्पॉट्स, आर फेवरेट हॉलीडे स्पॉट्स। तो यहाँ पे आए हैं और सोचा कि जब आई हैं तो एक प्राथमिक शाला एट तलाला, यहाँ पे एक वो है प्राइमरी स्कूल है, तो वहाँ के बच्चे एक साथ आए हैं। सिर्फ एक दिक्कत ये है यहाँ पे सिर्फ दो बच्चों को हिंदी और हिंदी आती है, बाकी सब गुजराती में बात करते हैं। ही हैड स्टार्टेड लाइक अ थोड़े इयर्स बैक एंड इट्स सिर्फ एक छोटा सा इसका ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू स्पेंड टाइम विद किड्स, इवन यू नो ओल्ड पीपल, चाहे हम किसी ओल्ड एज होम जाएँ या किसी ऑर्फनेज जाएँ या किड्स हु आर अनवेल उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जस्ट टू गिव देम हैप्पीनेस, जस्ट टू ब्रिंग देम आउट ऑफ देयर यूजुअल स्पेस एंड गिव देम अ न्यू एनवायरनमेंट। मम्मी जी बेचारी कुछ ज्यादा बोलती नहीं, वैसे बहुत बोलती हैं, जैसे कैमरा ऑन होता है इनकी पुस्की निकल जाती है। अच्छा कुछ बोलना चाहेंगी या मम्मी नहीं, जी नहीं, बच्चे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बस इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, अभी कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है भाई, ये सारे बच्चे दरअसल अफ्रीका के रहने वाले हैं लेकिन भारत की संस्कृति में ऐसे रच बस गए हैं कि भारत का ही हिस्सा बन गए हैं। तमी क्या नाचे, तमी क्या नाचे, मतलब अभी इसने मेरे को मोहिनी ने बताया कि तुम्हारा देश कौन सा है, इंडिया, भारत, आगे भारत में क्या होता है, भारत में क्या होता है, कैसे बच्चे होते हैं, सारे सारे के सारे बच्चे होते हैं, अच्छी चीजें होती है, बड़ी प्यार भरी चीजें होती है, संस्कार होते हैं, बहुत चीजें होती हैं।
भाई गौतम रो रहे हैं फिटनेस कॉन्शियस और रूटेड सासन में उनके लिए खास जिम है, तो भाई गौतम खुद को वर्कआउट करने से रोक नहीं पाए और अपना फिटनेस रूटीन उन्होंने पूरा कर दिया। हेलो हेलो, वेलकम टू माय वर्ल्ड, ये दुनिया जो मुझे पसंद है उसमें आपका स्वागत है, मतलब जिम की दुनिया जो मुझे नहीं लगता मुझसे कभी छूटेगी। शुरुआत की थी 16 साल की उम्र में, अब पता नहीं कितने साल हो गए, खुद को याद नहीं, बट ये आदत नहीं छूटती और आई थिंक इसी आदत की वजह से सारी बुरी आदतें दूर रही हैं आज तक ज़िंदगी में। सो फुल क्रेडिट टू वर्कआउट, जिमनेजियम, वेट्स। तो आज छुट्टी है, मतलब घर वालों के साथ छुट्टी मनाने आए हैं, मगर वर्कआउट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जब आप छुट्टी मनाते हैं तो आप बहुत सारी गलत चीज़ें खाते हैं, तो आपको स्वेट आउट करना ज़रूरी होता है और साथ में जितनी शेप आउट ऑफ शेप आप जा सकते हैं उतना आउट ऑफ शेप आप नहीं जाते। इसके बाद हो गई शाम और शाम की शुरुआत हुई इस खास अफ्रीकन लोक डांस के साथ। डांस के साथ ही शाम का रंग और गहरा हो गया। इन्होंने बहुत नाचा और मैंने बहुत नाचा और हम सब ने साथ में नाचा, बट कमाल के लोग हैं, मतलब कमाल के परफॉर्मर्स हैं, मतलब पूरे दिल से करते हैं जो करते हैं। भाई साहब आप कुछ बोलते हैं क्या? अरे तेरी तो बोलता है भाई। आपके डांस के बारे में कुछ बताइए। ये मेरा धमाल डांस बोलता है, झिंगा लाला। कहीं पे भी रहे, मतलब जो दिल से परफॉर्म करता है, और तो लैंग्वेज डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हैं, बट जो मैटर करता है कि वो दिल से कितना परफॉर्म करते हैं, और इन्होंने आज बहुत ही दिल से परफॉर्म किया और हम जितने भी लोग थे, जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, सब ने इन्जॉय किया, सभी क्लैप कर रहे थे इनके लिए, सभी तालियाँ बजा रहे थे। और तो सर आप कहाँ से हैं? सर हम ये हमारा जामपुर गाँव से, हम गुजराती है। गुजराती है मेरा गांव यहाँ तारा, मेरे गुजराती है पे, मेरे पर्वजन के बाप दादा की बेटी से गुजराती चल रहा इसके बाद था डिनर का वक्त और डिनर की शाम हो गई म्यूजिकल, जहां पर गिटार पर इन परफॉर्मर्स ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। ओ चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम। गिटार की धुन, ये बॉनफायर, ठंडा ठंडा मौसम, ऐसे में गौतम और पंखुड़ी हो गए रोमांटिक और रात का सुरमई रंग और भी रंगीला हो गया। यार थैंक यू कहना चाहूँगा पहले आज तक को, और सास बहू और बेटियाँ के सारे दर्शकों को, कि उन्होंने हमारे साथ एक दिन बिताया, हमारे मतलब पूरे परिवार के साथ एक दिन बिताया, एट द सेम टाइम आप लोग उसे कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट।
थैंक यू। मैं मौलिक को भी कहना चाहूँगा, बुद्ध जद सासन जो जिनकी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, और हमेशा ये एक फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन बन चुकी है। सो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, और एट द सेम टाइम दिन की शुरुआत हुई बच्चों के साथ जो बहुत अच्छा रहा, खेले कूदे नाचे गाए, उसके बाद आप लोगों के साथ इस प्रॉपर्टी का टूर किया, उसके बाद एक अफ्रीकन डांस ट्राइब डांस देखा जो अनोखा था और बहुत मज़ा आया। आई होप जब आप देखेंगे तो आपको भी उतना ही मज़ा आएगा। एंड एट द सेम टाइम फिर मेरा जिम का थोड़ा सा सेशन किया आप लोगों ने, और आखिर में यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ बॉनफायर के साथ एक लाइव म्यूजिक जैसे करते हैं, दैट स्टेज यू नो ऑल द ईयर राउंड। सो इट्स बिन सो ग्रेट। आई थिंक सारे एक काम करते हैं, गॉट टू स्टॉप इट। तो थैंक यू टू एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। इस खास म्यूजिकल इवनिंग और बॉनफायर के साथ खत्म हुआ गौतम और पंखड़ी के साथ हमारा ये खास डे आउट। तो देखा आपने गौतम और पंखड़ी ने कैसे बनाया अपनी फैमिली के साथ एक अनोखा न्यू ईयर, जहां पर डांस के रंग थे, मियां बीबी के रोमांस के रंग थे, और वुड्स सासन रिजॉर्ट का हरा भरा माहौल महानगरों की भीड़ भाड़ के उस पार काफी सुकून और शांतिपूर्ण था, और जिसे सास बहुर बेटा के साथ जिया गौतम रोड़े और पंखड़ी अवस्थी ने। विशाल शर्मा, अहमदाबाद, आज तक। लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मुरा सैया मुसे बोल।